यार लाल लाल ये कैसा लगेगा खाने में? अरे तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये मेरा भाई मतीन है, इसकी तबीयत बहुत खराब है। हे गाइस बॉस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड एक बज चुका है और अभी मैं जा रहा था दुकान पर। उससे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग का चांद रात नहीं है, बिकॉज आज ना सऊदी अरब में रोज़ा नहीं है, मतलब पहला रमज़ान का रोज़ा आज सऊदी अरब में नहीं है और वो कल होगा। यानी कल होगा तो मतलब हम लोग का कल तरावी है और आज उन लोगों का तरावी है। तो अभी चलते हैं दुकान और आज से ही थोड़ा तैयारी करना शुरू करते हैं रमज़ान का लेकर के, बिकॉज हम लोग को मिसवाक भी लाना है और भी बहुत सामान लाना है। उससे पहले अभी मैंने सोचा कि चलते हैं थोड़ा साइड एरिया में, एंड वहाँ पे एक जो मैंने मतलब पिछला बार मैंने बोला था कि मैं यहाँ आऊँगा, एक कचरा का पहाड़ है बहुत बड़ा, वो पहाड़ देखने के लिए, वो पहाड़ देख के आएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे मिसवाक लाने के लिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो देखना बिना स्किप किए हुए। सो दुकान आ चुके हैं, मोइन भाई लोग प्रैंक कर रहे हैं अभी यहाँ पर, है ना, मनी ड्रॉपिंग प्रैंक। कहा मनी का गिरी है। क्या दिया ना? गुड, ये रहा पैसा देखो। सो अभी मैं वो दुकान में और यहाँ बना रहे हम लोग मनी ड्रॉपिंग प्लान, जो कि मोइन भाई पहले से बना रहे थे, मोइन भाई के साथ थोड़ा हम भी बना रहे थे। सो तो प्रैंक कुछ शॉर्ट हो गया, चाबी दीजिए ना। आ रहे ये चाबी, चलते हैं। बिस्मिल्लाह। सो गाइस गाड़ी ले चुके हैं, चलते हैं अब भट्टो नगर। और अभी हम लोग हैं यहाँ के सबसे छोटे गली में, यहाँ से निकलेंगे एकदम यूनिक यूनिक प्लेस से मैं जाने वाला हूँ भट्टो नगर। काश आया आसमान में बादल होता, क्या खूबसूरत लगता। मैं यही सोच के जा रहा था पर वाइट वाइट है घर में। इंट्रो मैंने दे दिया कि भट्टो नगर जाना है पहाड़ देखने, तो चलते ही है। इश यहाँ पे कितना ज़्यादा जाम है। सो गाइस तो यहाँ पर थोड़ा आसमान ब्लू ब्लू है भी, देखते हैं वहाँ तक जाते आते शायद थोड़ा तो और भी ज़्यादा ब्लू है। एंड देखो अभी हूँ मैं ये रहा अबैंडन्ड प्लेस के पास, भूतिया घर जिसको हम लोग बोल रहे थे, भूतिया बिल्डिंग। एंड यहाँ से भी आगे जाना है। सो गाइस तो मैं रास्ता भूल गया, मतलब मेरे को रास्ता समझ ही में नहीं आ रहा, रास्ता कन्फ्यूजन हुआ है, वापस बैक चलते हैं। सो गाइस तो यहाँ से आएगा भट्टो नगर। ये रहा पहाड़, ऊपर कचरा का पहाड़ है, कचरा समझ भी नहीं आएगा इतना दब गया अंदर। ये रास्ता देख रहे कितना गंदा है, मेरा गाड़ी बहुत साफ सुथरा है, नहीं चाह रहे कि इसमें आए गंदा हो। ज्यादा बड़ा पहाड़ है, देख रहे हो भाई, हम पहले यूट्यूबर होंगे जो कचरा दिखाने आए। कहीं नाली में ना गिर जाए, बैक हो जाते हैं, बस हो गया। यहाँ से पूरा साइड एरिया है, पूरा साइड बैक हो जाते हैं, देख लो कैसा है। आपने देख लिया है, अब चलते हैं पूरा बाहर, बिकॉज यहाँ गंदा बहुत है तो मेरे को अजीब सा लग रहा है। बस इतना ही तक जा सकते थे। यहाँ देखो काम चल रहा है अभी, तेरा गाड़ी पार्किंग, पूरा एरिया साइड एरिया, ये पूरा पूरा आगे जाके फायदा नहीं है, पूरा साइड ही एरिया है। ये थोड़ा अच्छा लगा था मेरे को, इसलिए मैं यहाँ का वीडियो बना रहा हूँ रोक करके। सो रास्ता अभी मैं भट्टो नगर में, और देख लो क्या खूबसूरत वेदर है यहाँ। और ये वेदर की वजह से मैं यहाँ आया, बिकॉज ये खाली जगह है, खुला जगह है, और यह पानी है ना झील, तो ये अच्छा लग रहा है। यहाँ काम चालू है, चलते अब। चलते हैं अब सीधा घर।
इलाका खुला है पर यहाँ कुछ खाने होने का कुछ भी नहीं मिलता। सो गाइस तो वहाँ से निकल के आ चुके बाहर, पूरा पूरा बाहर आ गए यार, क्या मतलब क्या बोले, बहुत अंदर थे हम लोग। उस समय मैं गली गली गया था ना तो बहुत टाइम लगा था, अभी देखो रोड से आया मैं तो मुश्किल से मालूम है 10 मिनट में मैं भट्टो नगर से आ गया यहाँ। सो गाइस तो घूम के हम लोग आ गए चमिंडा साइड, वहाँ का वेदर कितना अलग था, पूरा आसमान ब्लू था, यहाँ का वेदर देखो फर्क है। इस पेड़ पे कितना सारा नेस्ट है देखो कौवा का। और अभी मैं चमिला साइड में चलते हैं, ये रहा गाड़ी पार्किंग, यहाँ देखो ये वाला ना क्या चीज़ का फल है पता नहीं, मतलब बचपन में खाए हुए वैसे हम लोग, पता नहीं आप लोग खाए हो कि नहीं कमेंट करना। जलेबी 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 जलेबी, हाँ बचपन में हम लोग जलेबी ही बोलते थे। का नहीं तोड़ता, पका पका तो है, देख रेड वाला है, तोड़ता का नहीं है। ओह जलेबी तो नहीं आ रहा है, तोड़ तोड़ तोड़, एक डॉम को भी खिला देना ठीक है ना। देखो ये सब नीचे गिरा हुआ है, बड़ा बड़ा पसा कच्चा है, सब रेड हो जाएगा तब खाने लायक होगा। बनाओ लग्गी बनाओ, यही हम लोग का बच्चा का फ्यूचर है हमारे देश का फ्यूचर। भाई जुगाड़ हम लोग हर जगह कर लेते हैं, इंसान को जुगाड़ू होना चाहिए। कहा हुआ, आराम से आराम से, आंखों के मत पड़ा। Why you hanging on the roof all by yourself? छोटा क्या हम हेल्प कर दे? टूट गई है। हाँ अब तो मिठाई निकलेगा, वहाँ भी पका हुआ है एक। सो गाइस तभी हम लोग यहाँ पे जलेबी का पेड़ तोड़, मतलब जलेबी के पेड़ से जलेबी तोड़ रहा है भाई लोग, मतलब बच्चा लोग, उसी तरफ पे खड़ा हुआ हूँ और बस ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं, और हो सकता है एक दो जलेबी मैं भी खा लूँगा और क्या। यार लाल लाल देख कैसा लग रहा है खाने में, खा के देखते ही। और जलेबी तोड़ने के लिए कहाँ से कहाँ दौड़ना पड़ता है, देखो कम मेहनत नहीं है। अबे ये तो सामने ही में है यार सामने ही में अच्छा मिली है। You got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you will spend the night alone. Let's be alone. So बस तो हो गया है, चलते अब यहाँ से, मज़ा आया है कि नहीं, मज़ा आया ना। सो गाइस दुकान आ चुके हैं, ये सामान। सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये मेरा भाई मतीन है, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसके स्टोमक एक हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ये मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको ले करके डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आप लोग से दुआ की गुजारिश है, दुआ कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। बहुत घटिया हॉस्पिटल है यार, श्री जैन हॉस्पिटल बहुत घटिया, अब से बैठ के परेशान हो रहे हैं। फहीम तो आया देखने। अस्सलाम वालेकुम भाई, माशाल्लाह पढ़ाई कर रहा फहीम, और आज कितना परेशान हो गया हम लोग डॉक्टर का करके। फहीम था नहीं मेरा हेल्प करने के लिए, मेरा फहीम पूरा वीडियो बनाता है ना फहीम। और एक चीज़ तो है कि थोड़ा सा भी कम होता है मेरा तो मेन एनर्जी वापस से वैसे ही आ जाता है, अलहमदुलिल्लाह है ना, मानते कि नहीं।
और आज मेरे को पता चला कि आज हॉस्पिटल का कितना ज्यादा यहाँ परेशानी है। पांच जगह दौड़े हम लोग सीमालो में पेट दर्द के डॉक्टर के लिए, वो मिल ही नहीं रहा था। जैन डॉक्टर के मतलब जैन हॉस्पिटल के वहाँ डॉक्टर एक था जो कि अभी मतलब वो क्या कर रहा था, ऑपरेशन ना ऑपरेशन में बिजी था। मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा, बिकॉज मैं उसे मैं सिर्फ रो रहा था। सच बताऊँ तो मैं सिर्फ रो रहा था, मेरे को कुछ भी याद नहीं उतना अच्छा से। बस मैं चाह रहा था जैसे भी कोई भी डॉक्टर हो मेरे को देख ले और मैं पेट थोड़ा ठीक हो। उसके अलावा कोई डॉक्टर भी नहीं था उसको वहाँ, तो उसके अलावा कोई डॉक्टर भी नहीं था। उसके बाद मैं तीन चार हॉस्पिटल और भी गया, लखोटिया, फिर आपका अल्फा, फिर लास्ट में ये गोलाबा वाला लखोटिया गए तो थोड़ा डॉक्टर देखा है। शिवपुर लखोटिया तो बंद हो गया था, मतलब वहाँ डॉक्टर भी नहीं था। मैंने आज सोचा था ना कि जितना ही ब्लॉग था मेरा अपलोड कर दूंगा, उसका पूरा साफ मतलब पूरा क्लियर होने के बाद रमजान का अच्छे से मैं वीडियो बनाऊंगा, पर ये पेट ना अभी वीडियो अपलोड करते हैं इंशाल्लाह। जो बचा हुआ है थोड़ा एनर्जी आया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी दुआ करना कि ऐसे ही थोड़ा फिट एंड फाइन रहो इससे अच्छा से। और बस पता नहीं ये क्यों अभी भी हल्का का पेन है। और जैकी देखो मेरे पर देख रहा है, क्या हुआ जैकी बाबू क्या हुआ? सो गाइस तो आ गए, लेकिन नाश्ता में क्या है, वापस में दर्द स्टार्ट हो रहा है। जूस है ये वापस स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे अब्बू आ चुके हैं, ये राज है कि स्ट्रॉन्ग होगा जो, सही बात है इसीलिए हुआ है। अरे कम से कम 4 लीटर पानी तो कम से कम पीना चाहिए शरीर के अंदर में, 4 लीटर कम से कम पानी जाना चाहिए। सिर्फ खाना खाने से मन समझ में आएगा कि बॉडी बन जाता है। कितना दौड़े आज मर हर जगह डॉक्टर 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 कसम से। हाँ हम तो कुछ कर, अबू रात को पानी पी के सोते हैं मगर 2 बोतल। 3 बजे जो है हम खाना 4 बजे खाते हैं, इतना सा चावल देता होटल में जो है।